दतिया 6/8/2024 को कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती मुड़ियन का कुआबाड़े पर की गई प्रेस वार्ता। जिलाध्यक्ष रामकिंकर गुज्जर ने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर 8 तारीख को कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अध्यक्षता में जनाक्रोश रैली निकाली जाएगी, एसपी कलेक्टर का घेराव करेंगे। गुज्जर ने यह भी कहा कि पूर्व गृह मंत्री के इशारे पर अधिकारी चल रहे हैं। नहरों का पानी 8-10 दिन पहले खोला जा सकता था, लेकिन पूर्व गृह मंत्री को श्रेय लेने की आदत है। आज जिले के किसान व्यापारी आमजन परेशान है। बिजली पानी पेयजल की समस्या को लेकर अधिकारी ये सोचते हैं भाजपा के नेता कब हमको आदेश दे और हम आदेश का पालन करें। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने कहा कि दतिया में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, अपराधियों को बचाया जा रहा है, मादक पदार्थ तस्करी खुलेआम चल रही है, फर्जी केस लगवाए जा रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री के इशारे पर ये सब चल रहा है, ये स्थिति दतिया की है। क्रेडिट किसको जाता है? गृह मंत्री ने जो आक्षेप अपने मुख्यमंत्री पर, अपने गृह मंत्री पर आक्षेप लगाया है, वो आक्षेप लगाने वाला कौन है जो 15 वर्ष से यहाँ की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहा है? अब वो मुख्यमंत्री के उस पर प्रश्न लगा रहे हैं, तो ये विचारणीय प्रश्न है। और इससे ऐसा भी लगता है कि माननीय मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से पूर्व गृह मंत्री जी खुश नहीं है, इसीलिए अपने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, पुलिस प्रशासन से, थानों में बैठे हुए थाना प्रभारियों से लगातार अपराध में सहयोग करवा रहे हैं और मुख्यमंत्री की छवि को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया, हम लोग लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता लगातार ज्ञापन देते रहे, धरना करते रहे, प्रदर्शन करते रहे और अधिकारियों पर दबाव बनाते रहे कि आप नहर को छोड़िए, धान की फसलों के लिए जरूरत है, वर्षा नहीं हो रही है, वो सबको पता है। अधिकारी भी इस बात के लिए राजी थे, लेकिन अधिकारियों पर दबाव बनाया गया कि नहर न छोड़ी जाए। मजबूरी अधिकारियों की भी तब हो गई जब डैम लगभग ओवरफ्लो होने की स्थिति में आ गए, और ओवरफ्लो की स्थिति आपको सबको पता है, आज से 2-3 साल पहले जब डैम ओवरफ्लो हो गए और एकदम पानी छोड़ा गया तो बाढ़ जैसी स्थिति आ गई थी और गांव के गांव तबाह हो गए थे। तो ये स्थिति जानबूझ के किसानों को परेशान करने की नीयत से, शहर की गांव की किसानों को बिजली ना मिल पाए जानबूझकर परेशान करने के लिए दबाव बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता कर रहे हैं, जिसके कारण एक तो ये भी है कि समस्या है, लेकिन कृत्रिम समस्या जानबूझकर और पैदा की जाती है। तो ये जो राजनीतिक कारणों से किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, और भ्रष्टाचार की स्थिति तो सबको पता ही है पूरे जिला में। अब अमृत योजना 2 आ गई, 2 में भी वही काम हो रहे हैं जो पिछले कांग्रेस टाइम में भी काम होते रहे। 1962 से नल जल योजना है, पूरे शहर में नल जल पाइपलाइन डले हुए हैं। रामसागर में भी लोहे के पाइप डले थे, कास्टमेटिक शहर में डले थे, वो सब बिक गए, टूट गए, चले गए। दतिया जिले में अघोषित बिजली कटौती को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर, जिले की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 8 अगस्त को जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी करेंगे। जिले में कानून की व्यवस्था के खिलाफ ये लड़ाई है, किसानों की समस्याओं को लेकर के लड़ाई है, पूरे जिले में व्याप्त बिजली संकट को लेकर के ये जन आक्रोश रैली है। आपके माध्यम से हम जिले के किसानों से आग्रह करना चाहते हैं कि जिले की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ एवं किसानों की समस्याओं को लेकर आयोजित इस जन आक्रोश रैली का
सभी समर्थन करें, सहयोग करें, कुछ इस रैली में शामिल हों। जिस प्रकार से दतिया जिले में जानबूझ करके किसानों को परेशान किया जा रहा है, जो सिंचाई के लिए नहर आज से 10 दिन पहले खुल सकती थी उसको केवल श्रेय लेने के लिए पूर्व मंत्री जी ने 8 दिन लेट कराया, जिससे पूरे जिले के किसानों का लाखों का नुकसान हुआ है। और केवल हम तो ये कहते हैं श्रेय लेना भी है तो थोड़ा समय से ले लें और पहले ले लें तो कम से कम किसानों को ये परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। यही स्थिति बिजली की है। जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर बिजली कटौती हो रही है, किसानों को बिजली नहीं दी जा रही है, शहर के लोगों को परेशान किया जा रहा है, केवल इस वजह से कि उनको अपनी हार नहीं पच रही है। और यही हाल खाद का है। खाद का स्टॉक पर्याप्त होने के बाद भी पूरे जिले के किसान खाद को ऊंचे दामों पर ब्लैक में खरीदने के लिए उन्हें यूपी में और डबरा और ग्वालियर जाना पड़ रहा है। केवल इसी का इंतजार हो रहा है कि कब वहाँ से आदेश मिले, कब इस खाद बंटवाने का भी श्रेय कब मिले, तब जाके किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाए। ये स्थिति जिले की है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर माननीय जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष 8 अगस्त को दतिया आ रहे हैं। सभी जिले के किसान बंधुओं से, आमजनों से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में, जन आक्रोश रैली में अपना विरोध दर्ज कराएं।